आ गए आप? इतनी तैयारियां? खैरियत तो? आहिस्ता आहिस्ता आपके मिजाज की समझ आने लगी है मुझे, तो मैंने सोचा आपके मिजाज को खुशगवार कर दूं। मजेदार होती जा रही। आपसे कम। अब चलें? कहाँ? क्या मतलब कहाँ? हम बाहर जा रहे हैं डिनर के लिए। अच्छा, नेवर न्यू अबाउट इट। चेंज करने दो, फिर चलते हैं। क्या जरूरत है चेंज करने की? आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। चलें, चलें, अभी चलें। क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो? मुझे जूते तो चेंज करने दो, कुछ कैजुअल्स पहनने दो, फिर गुल को भी देखना है। असल बात तो गुल को देखना है। जूतों का बहाना करने की क्या जरूरत है? यही बात। तो डिनर पे भी उसी के साथ चले जाएं। मुझे नहीं जाना। सारी तैयारी, सारा बनाव सिंगार बेकार। सारी अहमियत तो उस गुल की है ना। नहीं चाहता उससे मिलना। नहीं देखता उसको। तो उसको रात हो, खुश। पहले दाल, फिर सब्जी, फिर सब्जी, फिर दाल। हद है, बहुत ही कंजूस हो तुम। हाय हाय बदतमीज ना दीदी, उस दिन तो अजय ने बाहर खाना खिलाया था। जी मुझे एक बार खाना खिलाया था, अब सारी जिंदगी उसी एक बार खाने की याद में मुझे गुजारनी होगी। या फिर उसकी जो मैंने पिक्चर्स फेसबुक पे शेयर की थी, उसी को देख देख के मैं दिल ठंडा करती रहा, है ना? तस्वीरों से याद आया, ये तस्वीरों वाला क्या चक्कर है? तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? अरे तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे तुम्हारी नंद है ना आफरीन, उसकी कुछ तस्वीरें, तुम्हारे ससुर ना उसके बारे में बात कर रहे थे उससे। पता नहीं। और तू जो ये नीचे जाके जासूसी में लगी रहती ना, ऊपर रहा कर, कहा था ना मासी से सफाई करवा लेना, क्यों नहीं करवाई? आपकी मासी साहिबा आती तो करवाती ना। तो अल्लाह ने ये दो हाथ दिए ना, अपने हाथों से घर साफ कर ली थी, कुछ छोटी नहीं हो जाती। ये दो हाथ मुझे काम करने, झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं मिले, बल्कि खाना खाना, खुद को संवारने के लिए मिले। और मुझसे नहीं होते ये सारे काम, खुद कर लिया करो। हाँ शादी हो जाएगी ना फिर पूछूंगी। पूछ लेना, मैं तो अपने घर में सारे काम के लिए ना मुलाजिम रखूंगी। अच्छा मेरी माँ, अब चलो अंदर टेबल लगवाओ मेरे साथ, अभी अजर भी आ रहे होंगे। मुझसे नहीं होते ये काम वाम, दिमाग खराब। तो अम्मी ने भी ना मुझे यहाँ भेज दिया है, ऊपर से ये सर पे बैठी हुई है। क्या बकवास है, क्यों शोर मचाया हुआ है? अकबरी, अकबरी पहली आवाज में आया करो। जी साहब। मैम को दवाइयां दी, मसाज किया? मगर साहब वो तो आपने बेगम, क्या ये तुम्हें कह के गया था कि गुल का मसाज करना है, उसको दवाई देनी है? दवाई दी, मसाज किया? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। क्या मतलब इस बात का? मैंने तुमसे शादी की है शावेज, तुम्हारी बीमार बीवी की खिदमत करने के लिए नहीं। एक सेकंड, क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरा हुक्म ना मानो? हाँ क्यों मानूं मैं तुम्हारा हुक्म? तुम मेरे आका हो हाँ, या मैं तुम्हारी गुलाम हूं कि तुम्हारा हुक्म आना लाजिम है मुझ पे? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? दिमाग दुरुस्त है मेरा। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो? मैं तुम्हें दूसरी गुल बनने दूं? नहीं तमकीन, ये मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारे साथ गुल बन के ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक करती है ये औरत तुम्हारे साथ।
जूते के नोक पे रखती है तुम्हें। तुम्हारी इतनी जुर्रत के मेरे आगे? क्यों, आईना दिखाया तो बुरा लग गया? ये पागल औरत ही तुम्हारे साथ सूट करती है, मैं नहीं। क्या शे? चीज क्या है तू? अभी थक्के देके इस घर से बाहर फेंक दूंगा तुझे, तेरे घर वाले भी तुझे कबूल नहीं करेंगे। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है उसके लिए मैं क्या चीज हूं? चल सामान उठाओ, निकल यहां से, निकल। मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। जहां मेरी बजाय साइको औरत की अहमियत ज्यादा हो, मैं वहां नहीं रहूंगी। तुम्हारी पागल बीवी ने मेरा सर फाड़ दिया। खुदा का वास्ता तू तो चुप कर, दिमाग खराब कर दिया अपने शोर से।